वेलकम टू अर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2022। खास करके ये वीडियो बनाया गया है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे यूनिक करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पे लिया है। वैसे तो पूरा लास्ट 3 मंथ का जो करंट अफेयर है, जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022, इसके ऊपर एक डिटेल हम वीडियो लाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने करंट अफेयर लिया है ना, ये बहुत ज्यादा यूनिक है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस वीडियो में आपके लिए खास करके। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपेंड इन, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन जो है यह रिसेंटली जो है कहां पे खोला गया है, यह शंघाई में खोला गया है, जो कि बेसिकली चाइना में प्रेजेंट है। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम ओपेंड इन, तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम बेसिकली कहां पे खुलने वाला है, यह हैदराबाद तेलंगाना में बेसिकली ये खुलने वाला है। केरला हाईकोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है, ये बना है केरला हाईकोर्ट। कोची बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, तो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिस सिटी में है, सबसे पहला सिटी कौन सा बना है, तो ये बना है कोची। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हेली हब टू बी सेटअप इन गुरुग्राम, तो इंडिया का पहला हेली हब जो है ये कहाँ पे सेटअप होने वाला है, गुरुग्राम, जो कि बेसिकली हरियाणा में है। जैसे एयरपोर्ट में क्या होता है, बहुत सारे प्लेन जो है यहाँ पे लैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेन को जो है अलग अलग जगह में पार्क किया जाता है, उसी तरह जो है ये हेली हब बनने वाला है, हेलीकॉप्टर का ये हब बनने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर जो है प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ से जो है ये बेसिकली फ्लाई करेंगे और यहाँ पे जो है इनका मेंटेनेंस भी किया जाएगा और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे पार्क भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक वॉज पुट टू डिस्प्ले इन लोंगवाला नियर जैसलमेर, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। लोंगवाला बेसिकली हम देखें तो एक बॉर्डर जो है, ये सिटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले के लिए रखा गया था, खादी फैब्रिक से बनाया गया था, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो है यूनिक करंट अफेयर है। एप्पल बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल, तो एप्पल पहला कंपनी बन चुका है। यहाँ पे बिल्कुल बिजनेस से जो भी क्वेश्चन बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। तो एप्पल जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंपनी बन चुका है जिसने मार्केट कैपिटल $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल हिट किया है। जस्टिस आयशा मलिक टू बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन नेबरिंग कंट्री से है, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जो है ये किन्हें बनाया गया है, ये बनाया गया है जस्टिस आयशा मलिक जो है ये बनी है। इंडोनेशिया नेम्स न्यू कैपिटल नुसंतारा, तो ये ध्यान रखना, जकार्ता जो है ऑलमोस्ट ये जो है श्रिंक होने वाला है, डूबने वाला है कुछ ही साल में, इसीलिए जो है इंडोनेशिया ने अपना नया कैपिटल घोषित किया है नुसंतारा। तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, जो भी कंट्री नया कैपिटल बनाता है यहाँ से देखा गया है कि क्वेश्चन बना है, तो बिल्कुल ध्यान रखना इसे। केरला बर्ड एटलास द फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलास इन इंडिया, तो केरला जो बर्ड एटलास इन्होंने जो लॉन्च किया है, ये अगर हम देखें तो ये फर्स्ट स्टेट लेवल जो है बर्ड एटलास है इंडिया में और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्लेयर एंग्जाइटी एज चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है इन्होंने डिक्लेयर किया एंग्जाइटी, ये वर्ड याद रखना, एंग्जाइटी जो है इस वर्ड को डिक्लेयर किया है एज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021। जेरी हैमलेट डिक्लेयर्स एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जेरी हैमलेट जो है इसे बेसिकली डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन मूवी जय भीम एंड मराकर हैज बीन ऑफिशियली शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर 2022, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ऑस्कर में जितने भी मूवी शॉर्टलिस्ट किया जाता है यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, इसीलिए कवर अप हमने किया है। ऑस्कर अवार्ड जल्द ही जो है ये देने वाले हैं, ये एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो दो इंडियन मूवी का नाम याद रखना, जय भीम और मराकर, इसे जो है ऑफिशियली शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर ऑस्कर 2022। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड एट इज़मुद्दीन दी नीदरलैंड, इज़मुद्दीन बेसिकली जो है ये पोर्ट सिटी है, एम्स्टरडैम के पास एक पोर्ट सिटी है, तो यहाँ पे बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है। कंट्री का नाम जरूर ध्यान रखना, ठीक है, अगर ये इज़मुद्दीन ये नाम याद भी नहीं रहता है तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन कंट्री का नाम जरूर याद रखना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनल लॉक जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट विल बी लॉन्च इन दुबई, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जो है कहाँ पे लॉन्च होने वाला है, दुबई। नाम क्या दिया गया है इसका, नाम दिया गया है द जेट। एक होमवर्क आपके लिए भी है जिसका सही जवाब आपको देना है, कौन सी कंपनी बेसिकली फ्लाइंग जेट बना रही है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया दी जेट, कौन सी कंपनी ये फ्लाइंग बोट बेसिकली बना रही है जो कि दुबई में लॉन्च होने वाला हाइड्रोजन पावर्ड है ये, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ा सा आपके लिए भी होमवर्क छोड़ देते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर टू बी एस्टेब्लिश इन केरला, तो इंडिया का पहला ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर जो है कहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाला है, ये केरला में एस्टेब्लिश होने वाला है। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन जबलपुर मध्य प्रदेश, तो इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ पे बनने वाला है, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, जबलपुर में ये बनने वाला है। सूरत सिटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ये कौन सा सिटी में बनाया जा रहा है, ये जो है सूरत में बनाया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारे स्टेशन बनाए जाएंगे लेकिन सूरत सिटी में जो है ये फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा बाय 2024। आपको भी पता है बुलेट ट्रेन का जो है फर्स्ट रूट जो डिक्लेयर किया गया है अहमदाबाद टू मुंबई डिक्लेयर किया गया है, इसी रूट में जो है सूरत भी पड़ता है। तो फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है इंडिया का बनने वाला है सूरत सिटी में। अटल टनल हैज बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड एज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 1000 फीट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा जो है कौन सा बेसिकली टनल को रिसेंटली जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है डिक्लेयर किया गया है अबव 10,000 फीट। तो इसका जो सही आंसर है ये है अटल टनल। बिल्कुल ये ध्यान रखना, वैसे भी इंडिया का सबसे जो है ये लॉन्गेस्ट जो है हाईवे टनल है, अब से जो है डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। जरूर ध्यान रखना किसके द्वारा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। ध्यान रखना किनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाएगा, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दिया जाएगा, लिम्का बुक रिकॉर्ड दिया जाएगा, इसे बिल्कुल ध्यान रखना किनके द्वारा किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना भी जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ से डाबर बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। तो डाबर जो है ये पहला जो है इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल जो है कंपनी बना है, FMCG कंपनी ये बना है। दिल्ली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। तो ये पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क जो है इंडिया का कहाँ पे बनने वाला है, तो दिल्ली कैबिनेट ने जो इसे अप्रूव किया है तो ये दिल्ली में बनने वाला है। उज्जैन इन मध्य प्रदेश हैज़ क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई लाइटनिंग 11.71 लाख क्ले लैम्प डियाज बेसिकली जिसे कहा जाता है इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में इन्होंने जो है 11.71 लाख जो है इन्होंने दिया जलाए हैं, ये जो है बेसिकली गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में से रिकॉर्ड किया गया है। तो ये पूछा सकता है कौन से सिटी में किया गया है, यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन मिल सकता है, जैसे द्वारका, मथुरा, उज्जैन, ये सब आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है। तो उज्जैन जो है यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया गया है। यूनाइटेड किंगडम हैज़ मार्क 70th एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू रूल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी ये था, 70th एनिवर्सरी ये कंप्लीट हो चुका है। 70 साल जो है क्वीन एलिजाबेथ टू जो है रिसेंट करेंटली जो बेसिकली क्वीन है ये यूनाइटेड किंगडम का, इनका जो है 70 साल इनका जो है एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुका है एज क्वीन। इसराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन इन सिविलियन एयर स्पेस। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इसराइल जो है पहला जो है ये कंट्री बन चुका है जिन्होंने जो है ड्रोन्स को अलाउ किया है इन सिविलियन एयर स्पेस। नेपाल विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज UPI प्लेटफॉर्म। तो इंडिया का जो UPI प्लेटफॉर्म है इसे डिप्लॉय करने वाला नेपाल सबसे पहला जो है कंट्री बनेगा, इसे बेसिकली यूज करने वाला सबसे पहला कंट्री जो बनेगा ये बनेगा नेपाल। कनाडा बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ ऑथराइज द यूज ऑफ प्लांट बेस्ड COVID-19 वैक्सीन। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, COVID-19 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको भी पता है कई सालों से है, पिछले 2-3 सालों से पक्का है। तो कनाडा जो है ये पहला जो है कंट्री बन चुका है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज ऑथराइज द यूज ऑफ प्लांट बेस्ड COVID-19 वैक्सीन। आगे और भी करंट अफेयर्स देखेंगे इंपॉर्टेंट इस तरह यूनिक, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, सिर्फ 2022 का करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा, ये 3 महीना करंट अफेयर से नहीं होगा, तो करंट अफेयर 2021 डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बुकलेट हमने आपके लिए लॉन्च किया है सिर्फ 85 रुपीज में, एक बार देख लेना कैसे हमने कवरअप किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर्स जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं 2021 में उसको कवरअप किया है, इंडेक्स 2021 जितने भी रैंकिंग जो है रिलीज किया गया है इंडिया का उसे जो है इसमें कवरअप किया है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर जितने भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर है 2021 का अलग अलग जो है सेक्शन बना दिया था कि याद रखने में आसान हो, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस करंट अफेयर, समिट्स, मिसलेनियस में सब कुछ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर है, स्टेट करंट अफेयर है और मिसलेनियस करंट अफेयर यहाँ पे हमने कवरअप कर दिया है। तो बहुत अच्छे से जो है कवरअप किया था कि करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि बुकलेट जरूर ले लें, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। उसके अलावा भी अपेंडिक्स का सेक्शन भी दिया गया है जहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर 2021, जी आई टैक 2021, COVID-19 के जितने वेरिएंट्स हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, कहाँ पहले डिटेक्ट किए गए थे ये है, जितने भी फॉरेन सिविलियन अवार्ड दिए गए हैं हमारे जो है प्रधानमंत्री को, ठीक है, सिंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, इसको यहाँ पे कवरअप कर दिया गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर ये हर साल डिक्लेयर किया जाता है तो इसे भी हमने कवरअप कर दिया गया। तो अपेंडिक्स में इतना सारा चीज़ मिल रहा है, बहुत अच्छा से हमने अरेंज करके आपके लिए लाया है ताकि करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो करंट अफेयर 2021 का बुकलेट हमने लॉन्च किया सिर्फ 85 रुपीज़ में, इसको लेना कैसे है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, जैसे ही आप 85 रुपीज़ पे करते हैं आपके मेल आईडी में जो है बेसिकली फाइल को भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका मोबाइल हो, फोन हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप इसे डाउनलोड कर लेना, सिंपल PDF जैसे फाइल है, उसके बाद जो है आप अच्छा से करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आगे चल के आप SSC का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो जितने भी स्टूडेंट आगे चल के SSC का एग्जाम देने वाले हैं ये बुकलेट बिल्कुल ले लेना। और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा, इसीलिए हमने जो है जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट लॉन्च किया है। 2021
2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 टॉपिक्स जिनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको जो है इसमें आपके लिए लाया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। सबसे पहली बात, इसे 75 रुपीज़ में आपके लिए लाया गया, प्रोसेस सेम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 75 रुपीज़ का पे करते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिवाइस हो, प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। सब में जो है फाइल ओपन होगा, सिंपल पीडीएफ जैसा फाइल है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन मेल आईडी सही देना, मेल आईडी में ही आपको फाइल भेजा जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 2021, इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। तो दोनों कॉम्बिनेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 2021 जो 85 रुपीज़ में है, इसे बिल्कुल आप ले लेना, जो कि इस तरह अच्छा से अरेंज किया गया है आपके लिए। और इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट लाया गया सिर्फ 75 रुपीज़ में, जिसमें 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 टॉपिक्स हमने कवर अप किया है। तो इन दोनों बुकलेट्स को जरूर ले लेना, करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा, आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप करंट अफेयर और उसके साथ साथ जो है जनरल नॉलेज खरीद सकते हैं 75 रुपीज़ में, करंट अफेयर 85 रुपीज़ में आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कैसे खरीदना है हमने आपको बता दिया। तो चॉइस आपका है, अगर आपको लेना है तो जल्द से जल्द जो है इसे परचेस कर लेना, क्योंकि अभी जो है ये SSC के बहुत सारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं इसमें कम टाइम है। तो कम टाइम में अच्छा से अगर प्रिपेयर करना है करंट अफेयर, तो इसीलिए हमने इसे लॉन्च आपके लिए किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक विल बिकम फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी जो कि अपने ऑफिस खोलने वाले हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में, ये कौन से हैं? ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उत्तर प्रदेश विन बेस्ट टेबला ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड 2022। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, रिपब्लिक डे में जो बेस्ट टेबला दिया जाता है ये बेसिकली कौन से स्टेट को दिया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। तो जरूर ध्यान रखना, इस बार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर COVID-19 DNA वैक्सीन। तो पहला जो है कंट्री बन चुका है, पहला कंट्री बन चुका है जिन्होंने एडमिनिस्टर किया है COVID-19 DNA वैक्सीन। कौन से? COVID-19 RNA वैक्सीन ज़्यादातर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो COVID-19 DNA वैक्सीन जो है इसे एडमिनिस्टर करने वाला पहला कंट्री बना है इंडिया। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप एट खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कहाँ पे बनने वाला है, ये जो है खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बनने वाला है। इंडिया टू हेल्प श्रीलंका टू लॉन्च इट्स वर्जन ऑफ आधार कार्ड, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। इंडिया कौन से कंट्री को जो है बेसिकली हेल्प करने वाला है उनके अपने वर्जन ऑफ आधार कार्ड लॉन्च करने में, तो ये है श्रीलंका। इंडिया टू सेटअप इट्स फर्स्ट IIT आउटसाइड कंट्री इन UAE। तो जितने भी IITs हैं ये हमारे कंट्री के अंदर हैं, लेकिन पहला IIT ये सेटअप होने वाला है आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इंडिया पहला अपना IIT जो है सेटअप करने वाला है कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग बिल्ट एट बोधगया। तो इंडिया का लार्जेस्ट जो है रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो है कहाँ पे बनने वाला है? ये बोधगया में बनने वाला है। इंडियाज फर्स्ट फुली ओन्ड बाय वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क ओपेंड इन हैदराबाद। तो तेलंगाना जो हैदराबाद में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो है इंडिया का पहला फुली ओन्ड वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये खुला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से भी बिल्कुल बन सकता है। रशिया बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शनड कंट्री। तो रशिया जो है ये अब वर्ल्ड का मोस्ट सैंक्शनड कंट्री बन चुका है। ईरान से भी ज़्यादा सैंक्शन इन कंट्रीज में रशिया में लगा है, इवन नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा सैंक्शन जो है कंट्री में लगा है। ईरान इराक से भी ज़्यादा सैंक्शन अब लग चुका है रशिया में। इट इज़ द मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड। सैमसंग सरपास इंटेल एज वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2022। अगेन इंपॉर्टेंट है, सैमसंग जो है ये अब वर्ल्ड का जो है टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी बन चुका है, इंटेल को जो है पीछे इसने छोड़ दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम मोस्ट प्रीफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है रिसेंटली कहा गया था मोस्ट प्रीफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक बन चुका है ये इंडिया का। JP मॉर्गन बिकम्स फर्स्ट बैंक टू एंटर द मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है ये बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। मेटावर्स जो है अपकमिंग ये टेक्नोलॉजी है। तो JP मॉर्गन जो है ये बन चुका है फर्स्ट बैंक टू एंटर मेटावर्स। माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद। तो इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट जो है कहाँ पे खोलने वाला है? हैदराबाद में खोलने वाला है, बिल्कुल ध्यान रखना। कौन से कंपनी के द्वारा पूछा जा सकता है, कहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है। RBI वाज सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इन 2021। तो सबसे टॉप में देखे तो सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड था जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड बाय किया था 2021 में। उसके बाद हमारा बैंक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है बायर रहा गोल्ड का इन 2021।
यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो पहला ड्रोन स्कूल जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है ये बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है या फिर इंट्रोड्यूस इसे किया गया है। नवी मुंबई हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन महाराष्ट्र टू अचीव 100% कोविड 19 वैक्सीनेशन स्टेटस। तो क्वेश्चन बन सकता है महाराष्ट्र का पहला कौन सा सिटी बना है जो कि 100% कोविड 19 वैक्सीनेशन स्टेटस जो है अचीव किया है, तो यह है नवी मुंबई। तो ये थे कुछ यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपके लिए हमने कवरअप किया, जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। इन क्वेश्चन को कवर करने के साथ साथ एक चीज़ और याद दिला दें कि ये बुकलेट बिल्कुल ले लेना, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, खास करके SSC CGL और CHSL के स्टूडेंट। कम टाइम अगर करेंट अफेयर अच्छा से प्रिपेयर करना है तो ये दोनों बुकलेट को आप ले सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर जाकर फटाफट आप ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।